आज भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में यूथ पीस फाउंडेशन ने एक जी स्पिरिट नामक प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है लड़कियों के बीच में जाके महिला शक्ति को जागृत करना और वो शांति में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, गर्ल्स कैसे समाज में शांति लाने में और अपने जीवन में शांति लाने में कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में आज यहाँ पे एक सेशन हुआ। जो यू पीस फाउंडेशन एक एनजीओ है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसने जॉइंट वेंचर विद भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी के साथ किया। इस प्रोग्राम की खास बात रही कि मिस्टर प्रेम रावत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत हैं, उनके मैसेज को दिखाया गया और उन्होंने एम्फेसिस किया कि हम अपने जीवन में सारी चीज़ों को पाने के बावजूद भी शांति कैसे ला सकते हैं और ये कैसे संभव है। सर आज क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐसी कराई गई हैं? आज के इस इवेंट में एक फॉर्मल इनॉग्रल वेलकम था जो वाइस चांसलर मैम ने किया इस इवेंट को स्टार्ट करते हुए। उसके बाद कुछ सर आज के इवेंट में बच्चों के साथ कुछ इंटरेक्टिव क्विजेस की गई, कुछ गेम्स खिलाए गए और बच्चों के व्यूज़ जाने गए कि संसार में कैसे शांति संभव है। और इसके बाद यूथ पीस फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन हुआ है और प्रेम रावत जी का मैसेज दिखाया गया जिसमें ये बताया गया कि प्रैक्टिकली हम कैसे पीस को पा सकते हैं। साथ ही एक सिग्नेचर फ्लेक्स साइन कराया गया है जो कि प्लेज टू पीस है, जिसमें बच्चों ने ये शपथ ली कि हम अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाएंगे और शांति लाएंगे। प्रोग्राम तीन सेशंस में किया जा रहा है और तीनों सेशंस में अलग अलग स्टूडेंट्स का बैच है और सभी बैच के स्टूडेंट्स के लिए गेम्स अरेंज हैं, क्विजेज अरेंज हैं और प्रेम राव जी का मैसेज अवेलेबल है, यूथ पीस फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन है और उनके लिए प्लेज टू पीस साइन करने का। सर यहाँ पे यूथ है, दिस यूनिवर्सिटी बेसिकली बिलोंग टू अ रूरल एरिया, तो आपको किस तरह की यहाँ पे रिस्पांस मिला बच्चों का? रिस्पांस बहुत अच्छा था और यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान के भविष्य के बीच में हैं। और ये कहना शायद गलत होगा कि ये रूरल है या अर्बन है, बट बच्चे बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं और बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ के बच्चों में और हमें लगता है कि अगर इनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन और गाइड किया गया तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है।